दोस्तों, आज हम लोग पाइप के बारे में समझेंगे कि पाइप क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और किस बेस पर प्लम्बर कौन कौन सा पाइप यूज में लेता है। थंबनेल में जैसा कि पाइप दिखाया गया है, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल प्लम्बिंग सिविल आर्मी में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि जब भी नई वीडियो चैनल पर अपलोड होगी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में महत्वपूर्ण छोटी छोटी जानकारी बताई गई है जिससे नए प्लम्बर भाइयों को जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले पाइप क्या होता है। पाइप का मतलब एक बंद गोल आकार का जिसमें तरल पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित किया जाता है, या सरल भाषा में समझिए, एक बंद गोल खोखला किसी भी धातु का बना हुआ जिसमें तरल पदार्थ जैसे जल, गैस, आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी पूर्वक लेकर जाने के माध्यम को पाइप कहते हैं। आइए अब हम लोग आगे जानकारी लेते हैं। पाइप किस किस धातु का बना होता है और यह कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो देखते हैं यह किस किस धातु का बना होता है। पहला स्टेनलेस स्टील, दूसरा MS, तीसरा SDP, चौथा कैनवास पाइप, पॉलीथीन पाइप, लो डेंसिटी प्रेशर पाइप, कॉपर पाइप, एल्युमिनियम पाइप, GI जिसे गैल्वेनाइज आयरन बोलते हैं, सीमेंट पाइप, ABS पाइप, एक्रोलेटिंग यूडाइन सी, लीड पाइप, IBR पाइप, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, ब्रास पाइप, ABS पाइप, लीड पाइप, नायलॉन पाइप, CI कास्टिंग पाइप, PVC पाइप, हाइड्रोलिक पाइप, SDP पाइप और स्टोन पाइप। आगे देखते हैं पाइप कितने प्रकार के होते हैं। यह बनावट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला सीम पाइप। सीम पाइप जो वीडियो के इमेज में दिखाई दे रहा है, सीम पाइप ज्वाइंट किया रहता है, देखिए ज्वाइंट भी दिखाई दे रहा है, या वेल्डिंग किया रहता है, इसे सीम पाइप बोलते हैं। और दूसरा होता है सीमलेस पाइप। सीमलेस पाइप में ज्वाइंट नहीं होता है, यह ढाला हुआ रहता है। देखिए ये भी वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसमें ज्वाइंट नहीं है, यह ढाल करके बनाया जाता है, इसमें ज्वाइंट नहीं रहता है। और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। साइज के आधार पर पाइप दो प्रकार के होते हैं। जो साइज होता है, जैसे पहला स्मॉल साइज, दूसरा बिग साइज। स्मॉल साइज समझते हैं, आधा इंच से 2 इंच तक पाइप स्मॉल बोर बोला जाता है, स्मॉल बोर बोलते हैं। से आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच तक पाइप को
स्मॉल बोर कहते हैं, और 2 इंच के ऊपर जो पाइप को बिग बोर बोलते हैं। बिग बोर पाइप की साइज 3 इंच से स्टार्ट हो जाती है, 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच के ऊपर की जितनी भी पाइप होती है उसे बिग बोर के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए अब पाइप साइज के आधार पर भी देख लेते हैं कितने साइज की होती है। आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच, 16, 18, 20 और इसके ऊपर साइज की पाइपें होती है। और अब थोड़ा सा आगे और भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पाइप में ID, OD, थिकनेस, CF भी होता है और शेड्यूल भी होता है। और जैसे हम लोग बोलते हैं 20 शेड्यूल, 40 शेड्यूल, 60 शेड्यूल, 80 शेड्यूल, 120 शेड्यूल, 140, 160 और डबल XL, ये पाइप के शेड्यूल होते हैं। दोस्तों वीडियो देखकर वीडियो से क्या सीखने को मिला और क्या जानकारी प्राप्त हुई कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, प्लम्बिंग में कौन कौन सी पाइप हम लोग यूज करते हैं इसके बारे में जानकारी।